जुदा जुदा कर दे कलम के दिल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। इस वीडियो में आपको इंस्टाग्राम की न्यू ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग सिखाने वालों, तो जो कुछ इस टाइप की आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपने इस टाइप की रील तो देखी होगी इंस्टाग्राम पर दोस्तों, काफी चल रही है। अगर आप बनाना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आपको दूसरा वीडियो जो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो तो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों आप एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है वीएन। तो वीएन दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आपको चलाना नहीं आता तो दोस्तों मेरे चैनल बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। आप देखकर सीख सकते हैं बहुत सारे एडिटिंग, ठीक है। इसके लिए बाद में आपको जाना प्लस वाला आइकन पर, फिर जाना न्यू प्रोजेक्ट पर, एंड फिर दोस्तों आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आप में जो भी वेस्ट पार्ट है वो आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका पहले वाला पार्ट जो है मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, कोई काम करना, ठीक है। फिर दोस्तों क्या करना है, इसके बाद जाना है वापस ये फोटो वाला आइकन पर, फिर जाना है वीडियो एंड फोटो पर, फिर दोस्तों वापस आपको यही वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसी वाले वीडियो को सिलेक्ट करके आपको इसका भी जो है मैं आपसे इसका पार्ट जो है कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। पहले वाला पार्ट को कलेक्ट किया, ठीक है। तो इसका मैं पहले वॉइस बंद कर लेता हूँ, ना क्या है कॉपीराइट आ सकता है मेरे चैनल पर, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा मार्क्स वाला, ठीक है। मार्क्स वाला ऑप्शन पर जाना, आपको जाना है रेक्टेंगल पे, ठीक है। रेक्टेंगल पे जाओगे, इसको सबसे पहले आपको इसको नहीं इसे आपको बड़ा कर लेना, ठीक है। तो आपको ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है इसको आपको ऐसे ऊपर नीचे करना, जिससे क्या होगा इसके कॉर्नर जो है वो राउंड होते जाएगा, ठीक है। आप जितना राउंड जगह रखना चाहो रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने फोटो के हिसाब से ही मैं रखूँगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि राउंड कहाँ से हो रहा है, ठीक है। इतना रखा जो मैं थोड़ा छोटा मैं इतना रखना चाहता हूँ, इसके वजह से जितना आप गोल रखना चाहो रख सकते, ठीक है। मैं ज़्यादा गोल नहीं रखूँगा, मैं इतना ही रखूँगा ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर ऐसा मैंने डन कर लिया, इसके बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा जितना बड़ा करना चाहो रख सकते, इतना बड़ा किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके आप फिल्टर में जाके आप वो भी फिल्टर भी दे सकते हो ताकि और अच्छा लग जाए, ठीक है। आप देख सकते हो फिल्टर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करके एक बार देख लेना, इससे क्या दोस्तों आपको फोटो जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो तो मैं एक ये पिंक वाला रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। फिर वापस आपको ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमको इसको शैडो देना है, तो शैडो कैसे देना है, आपको ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसको करना है डुप्लीकेट। मैंने डुप्लीकेट कर लिया, इसके बाद वापस नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको जाना है फिल्टर में जाना है, फिर जाना है एडजस्ट पे, उसका एक्सपोजर आपको करना है बिल्कुल कम, ब्राइटनेस को भी कर लेना है बिल्कुल कम, ठीक है। पीछे वाला भाग गया ब्लर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे बड़ा करना है, ठीक है। देखो ब्लैक हो गया, इसको बड़ा कर लेना इस टाइप से। फिर आपके आपको जाना है मार्क्स वाला ऑप्शन पर, ठीक है। मार्क्स वाले पर जाना है, आपको जाना रेक्टेंगल पर ही जाना है, ठीक है। ऐसे करके फिर आपको ये नीचे वाला एरो को खींचना है ताकि क्या ये थोड़ा ऐसे हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे नीचे कर लेना, तो थोड़ा सा टाइम देके आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना इस हिसाब से, ठीक है। शैडो हो गए इस हिसाब से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसको पहले पूरा नीचे कर दिया, इसके बाद डन करके इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो इसके पीछे आप देखिए शैडो आ गया है, एंड मैं इसको डन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारा कम्प्लीट हो गया, अभी आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। पीछे देख दो शैडो भी दोस्तों आ गया, तो अभी देख सकते हो काफ़ी कमाल की हमारी वीडियो से काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको दोनों लेयर को एक साथ छोटा करना पड़ेगा, शेडो वाले भी, ठीक है। तो मैंने इसको और छोटा कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहो फिल्टर हटा सकते हो और रखना चाहो तो रखना भी चाह सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी आसान तरीके से बता दिया, ठीक है। और पिछले वाले भाग को डिलीट कर देना है कि हमारे को काम करना है, ठीक है। और वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर जाना है एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर, वहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर और भी वीडियो है तो वो भी देख लेना, ठीक है। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।